कंगारू की किक कितनी पावरफुल है आप सभी जानते ही हो, लेकिन क्या आपको मालूम है फीमेल कंगारू के पाउच के अंदर क्या है? आप सभी को लगता होगा कि ये छोटे से बच्चे को होल्ड करने के लिए एक सिंपल सा थैला होगा। कंगारू का पाउच बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। कंगारू के बच्चे जन्म लेते हैं तो इनका साइज केवल जेली बीन्स जितना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में केवल 33 दिन ही बिताते। ये वैसा ही है जैसे इंसानी बच्चा 2 महीने के बाद जन्म ले ले। अपने अंडर डेवलप नाजुक बच्चे को बचाने के लिए कंगारू के पास ये दूसरे गर्भ के तौर पर पाउच है जिसके अंदर 4 निपल है और इन सभी में अलग अलग प्रकार का मिल्क आता है। ये मिल्क बच्चे को बैक्टीरिया से बचाते हैं और सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये माँ का पाउच अंदर से गर्म भी होता है ताकि नन्ही जान को ग्रो होने के लिए सुटेबल एनवायरमेंट मिल सके। कंगारू के पास एक पाउच होता है फिर भी एक समय पर 3 बच्चों को पाल सकता है। पहला बच्चा पाउच में रहता है, दूसरा पॉकेट से बाहर निकलने के बाद काफी महीनों तक 4th निपल का ज्यादा न्यूट्रिशन वाला दूध पीकर पलता है और 3rd बच्चा का है माँ के गर्भ में।